बेस्ट वड़ा पाव नागपुर की तलाश में हम आ चुके हैं आज स्नैपचैट वड़ा पाव। ये वड़ा पाव तो यहाँ आप देख सकते हैं गर्मा गर्म वड़ा पाव की तैयारी की जा रही है। पाव आ चुका है बड़े से तवे पे। भैया चटनी कौन कौन सी डाल रहे हो बता देना। चटनी है भैया लहसुन, हरी चटनी, कोकड़े चटनी। ठीक है लगाइए। ये लहसुन की हो गई, ये हरी चटनी हो गई, ये कोकड़े चटनी हो गई। अच्छा तीनों चटनी आती हैं। हाँ तीनों चटनी आती है। ये वड़ा हो गया, ये है वड़ा पाव। क्या रेट है भैया वड़ा पाव का? 30 रुपए प्लेट है। 30 रुपए का दो पीस। हाँ वड़ा पाव तो इतनी सारी दुकानों पे मिलता है नागपुर में, लेकिन आपका वड़ा पाव इतना हटके क्यों है? ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपका वड़ा पाव सबसे अलग है? मेरा वड़ा पाव है भैया, वड़ा पाव मसाला अलग रहता है और जो बड़ा है तो बड़ा ज्यादा बड़े रहता है। अच्छा साइज में भी बड़ा है? हाँ बड़ा साइज में ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ मक्खन भी ज्यादा रहता है। तो इन शॉर्ट आपका USP ये है कि आप खुले दिल से सारी चीजें भर भर के खिलाते हो। जी अपने खाने से मतलब है, खाने में अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। हाँ जी तो आप सबकी रिकमेंडेशंस पे मैं आ चुका था स्नैपचैट वड़ा पाव और यहाँ का वड़ा पाव टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। लेट्स टेक अ बाइट। जैसा कि भैया ने बोला इनके वड़े का साइज थोड़ा बड़ा रहता है तो ये बात सही है। बाकी तो ओवरऑल इट इज अ यस। अगर आप आना चाहें इस एरिया में आप घूम रहे हैं तो ये वड़ा पाव की प्लेस भी आप ट्राई कर सकते हैं। और वड़ा पाव लवर्स मेरे पेज को फॉलो करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगली प्लेस के साथ जल्दी मिलते हैं। दोस्तों सामने ही आपके फ्यूल हेडक्वार्टर्स दिख रहा है आपको और इसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा स्नैपचैट वड़ा पाव वाले भैया।